हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक स्नैक्स रेसिपी शेयर करूंगी। ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाती है। आप सभी जानते होंगे कि कॉर्न जो है वो बहुत ही न्यूट्रिशियस है, बहुत सारे उसमें विटामिन्स, मिनरल्स और बहुत ज़्यादा फाइबर्स कंटेंट होता है। तो आज की हमारी रेसिपी है क्रिस्पी बेबी कॉर्न चिली। इसे मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बनाऊंगी, जो कि खाने में भी बहुत ही मज़ा आए। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ हमने बेबी कॉर्न ले लिया है। ये कॉर्न अप्रॉक्स 200 ग्राम है और इसे बहुत अच्छे तरीके से साफ कर लिया है, धो लिया है और इसे बीच से कट कर कर इसके छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और इसमें 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक, 2 टेबल स्पून मैदा और 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1/4 रेड चिली पाउडर। इन सब को डालकर हम ड्राई मिक्स करेंगे। बेबी कॉर्न में थोड़ी सी मॉइस्चर होगी और जो आपने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है वो भी थोड़ी सी मॉइस्ट होगी। उसके साथ ही हम इसे हाथों से बहुत अच्छे तरीके से मिला लेंगे, जिससे इस पे सारी चीज़ों की कोटिंग अच्छे तरीके से हो जाए। और फिर कुछ इस तरीके से हम एक जाली पर डाल करके उसके जो ड्राई फ्लावर्स हैं उनको निकाल देंगे और बेबी कॉर्न को साइड कर कर रख लेंगे। आप ये देख रहे होंगे कि इसमें बहुत अच्छे तरीके से कॉर्नफ्लोर की कोटिंग हो गई है। अब उसी मिक्सचर में मैं 1 टेबल स्पून मैदा और 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लूँगी और थोड़ी सी इसमें रेड चिली पाउडर भी ऐड कर रही हूँ, थोड़ी सी सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग। इन सबको ऐड कर कर थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका एक सेमी थिक बैटर बना लेंगे। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखना है, इतना रखना है कि जब हम बेबी कॉर्न इसमें डालें तो उस पर एक अच्छी सी कोटिंग हो जाए, फ्लोई ना हो। अब इसमें मैं बेबी कॉर्न डाल दूंगी और इसे बहुत अच्छे तरीके से आपस में मिक्स करेंगे। बहुत सारे लोग बेबी कॉर्न को बॉयल कर कर बनाते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट बना रही हूँ क्योंकि जब हम बॉयल कर कर बनाते हैं और फिर कॉर्नफ्लोर में जब उसे हम कोट करते हैं तो काफ़ी टूटने का डर रहता है और वो टूट भी जाता है। तो हमारा ये बहुत अच्छे तरीके से बेबी कॉर्न इसमें कोट हो चुका है और अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे और फिर हम इसे फ्राई करेंगे। एक पैन में हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। ऑयल को हम मीडियम टू लो फ्लेम पे ही गरम करेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। और इसे हम बैचेस में फ्राई करेंगे। ये आपस में चिपकने की बहुत ज़्यादा टेंडेंसी रहेगी क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड किया हुआ है, तो आप इसे फॉक की हेल्प से और थोड़ी सी डिस्टेंस बनाते हुए डालें। इसे हम हल्का सा फ्राई करेंगे क्योंकि हम इसे डबल फ्राई करने वाले हैं, तो बस हल्की सी जब इसमें कलर आ जाए तो आप इसे एक एब्जॉर्बेंट पेपर पे डालकर निकाल लें और इसी तरीके से बाकी बचे हुए बेबी कॉर्न को भी फ्राई कर लें। और अब हमारा फ्राई हो चुका है, बेबी कॉर्न फ्राई कर लिया है हमने। और उसके बाद फिर हम ऑयल को हाई फ्लेम पे गर्म करेंगे, अच्छा गर्म करेंगे और उसके बाद बैचेज में बेबी कॉर्न को डालेंगे और जस्ट फॉर 5 मिनट्स, आई थिंक 1 मिनट्स में ये बहुत अच्छी कलर आ जाएगी। बस एक अच्छी सी कलर आनी है और ये बहुत ही अच्छी क्रिस्प हो जाएगी, लेकिन फ्लेम हमारा बिल्कुल हाई होना चाहिए, ऑयल अच्छी गर्म होनी चाहिए। ये काफ़ी अच्छी क्रिस्प हो गई है, इसकी क्रिस्प की आवाज़ भी बहुत अच्छी आ रही है। तो इसे फ्राई करके हम रख लेंगे और अब आइए अब इसके लिए सॉस बनाकर तैयार करते हैं। अब हमने यहाँ पे एक पैन गरम कर लिया है। इसमें 1 to 2 टेबल स्पून ऑयल लेंगे। एक हरी मिर्च को बारीक काट कर और एक हरी मिर्च को स्लिट कर कर डाल रही हूँ और लगभग 7 से 8 गार्लिक की कलियों को हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, इसे डाल देंगे और इसे अच्छे तरीके से हम भूनेंगे। हल्की सी कलर आने तक हम इसे भून लेना है। अब ये भून चुकी है। 2 टेबल स्पून टोमेटो सॉस, 1 टेबल स्पून व्हाइट विनेगर, 1 टेबल स्पून डार्क सोया सॉस, इनको डालकर हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और हल्का सा पकने देंगे, फ्लेम हम लो रखेंगे। अब यहाँ मैं इसमें हनी ऐड कर रही हूँ। विनेगर की खटास को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 टेस्पून हनी ऐड किया है और 1 टेस्पून ब्लैक सॉल्ट भी ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद इन सभी को अच्छे तरीके से मिक्स कर कर चला लेंगे। 1 टेस्पून कॉर्नफ्लोर को पानी में घोलकर
हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे थोड़ी देर पकने देंगे। जब ये हल्की सी ठीक होने लगी तो अब हम इसमें स्प्रिंग अनियन को, जिसे हमने बिल्कुल बारीक कट कर लिया है, उसे डालेंगे। हल्का सा मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, हल्का सा मिक्स करेंगे और फिर इसमें फ्राई किए हुए बेबी कॉर्न को डाल देंगे। और अब इसे हल्के हाथों से आपस में मिक्स कर देंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस हल्का सा मिक्स करना है। और अब इसके ऊपर से मैं वाइट सेजमी सीड स्प्रिंकल कर रही हूँ। सेजमी सीड एक बहुत ही अच्छा कैल्शियम का सोर्स है और इसके साथ ये बहुत अच्छी जाती भी है, एक नटी सी टेस्ट देती है। तो इसे डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और कुछ देर के लिए, 1 मिनट के लिए हम हल्का सा कुक करेंगे और बस हमारी रेसिपी बनकर बिल्कुल रेडी है। इसे आप स्प्रिंग अनियन के साथ, हरे प्याज की पत्तियों के साथ गार्निश कर सकते हैं और इस पर थोड़ी सी हमने सिजमी सीड भी स्प्रिंकल करी है। ये रेसिपी देखने में जितनी टैम्पटिंग लग रही है, खाने में उससे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी है और हेल्दी तो बहुत ज़्यादा है। हमारी क्रिस्पी बेबी कॉर्न चिली रेसिपीज बहुत ही अच्छे तरीके से बनकर रेडी हुई है। देखने में बहुत ही टेम्पटिंग लग रही है, बस देखते ही खाने का मन हो रहा है। ये बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी स्नैक्स ऑप्शंस हैं। बच्चे बड़े सभी इसे बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय करेंगे। आप किसी भी छोटे मोटे पार्टी के लिए, अपने किटी पार्टी के लिए, बच्चों के बर्थडे पार्टी के लिए या कभी भी, जब भी आप चाहें, आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है स्नैक्स के लिए। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो आप इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और अपने कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।